पुरुषोत्तम भाई रूपाला, उन्होंने क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। इस देश को एक करने के लिए अपनी 565 रियासतों को देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बान कर दिया। आज उसी कौम के बारे में वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं जो केवल मात्र इस सरकार में कुछ दिन से मंत्री हैं। क्या वो मंत्री ये भूल गए कि क्षत्रिय समाज ये महाराणा प्रताप की कौम है, ये भगवान राम के वंशज हैं। जिस भगवान के राम के मंदिर को लेकर ये ढिंडोरा पीट रहे हैं वो हमारे पूर्वज थे। पुरुषोत्तम रूपाला के खानदान में से कितने शहीद हुए बता दे। वो पहले कौम है या पहले राजनीतिक दल है? साहब मेरे लिए पहले हिंदुस्तान है, मेरी रगों में क्षत्रिय समाज का खून है। साहब मैं कैसे चुप हो जाता। हरियाणा बीजेपी में राजपूत समाज के बड़े नेता सूरजपाल सिंह अम्बू ने बीजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया है। बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला की राजपूत समाज को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज होकर ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार द्वारा क्षत्रिय समाज के बारे में टिप्पणी करने के बाद उन्होंने प्रत्याशी बनाना और उन्हें संरक्षण देने के मन से दुखी हैं। हमारी मांग थी कि उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया जाए, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनाव का मौका दिया, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा, जिसके चलते राजपूत समाज में काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का साथ सूरजपाल सिंह अम्बू, आपको बता दें कि करणी सेना के और बड़ा एक नेता जिन्होंने आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। और अभी कुछ समय पहले पुरुषोत्तम के द्वारा जिस तरीके से बयानबाजी की गई थी, जिस तरीके से राजपूत समाज के ऊपर टिप्पणी की गई थी, राजपूत समाज की महिलाओं को लेकर जिस तरीके का बयान उनका सामने आया था, जिसके चलते राजपूत समाज में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला था। और इसी आक्रोश के चलते आपको बता दें कि राजपूत समाज अच्छा खासा जो है नाराज नजर आया, जिसका प्रतिक्रिया है राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात में काफी ज्यादा देखने को मिली। आपको बता दें जिसके चलते काफी ज्यादा लोगों को संबोधन किया गया। और आपको ये भी बता दें कि इसी कड़ी में महिपाल सिंह मकराना ने भी जनसभा को संबोधित किया था और बीजेपी को बड़ी चेतावनी भी उन्होंने दी थी। अब उसका परिणाम देखिए कि एक तरफ महिपाल सिंह मकराना ने जनता से बीजेपी को वोट ना देने की अपील की थी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि यदि कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है तो करनी सेना से उसे जो है निकाल दिया जाएगा, ऐसी बात भी जो है महिपाल सिंह मकराना ने कही थी। लेकिन अब उसके बाद देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सूरजपाल सिंह अम्बू करनी सेना से जुड़े हैं, उन्होंने भी अब भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। क्या कुछ बोले हैं सूरजपाल सिंह अम्बू दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। क्षत्रिय समाज को अपमानित करने का काम भाजपा के केंद्रीय मंत्री थे जो राजकोट पार्लियामेंट से चुनाव लड़ रहे हैं, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, उन्होंने क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। जिस देश को आज़ाद कराने के लिए जिस देश ने देश में क्षत्रियों ने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, मुगलों के खिलाफ हजारों लाखों लोग शहीद कर दिए, इस देश को एक करने के लिए अपनी 565 रियासतों को देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बान कर दिया, आज उसी कौम के बारे में वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं जो केवल मात्र इस सरकार में कुछ दिन से मंत्री हैं। क्या वो मंत्री ये भूल गए कि क्षत्रिय समाज ये महाराणा प्रताप की कौम है, ये भगवान राम के वंशज हैं। जिस भगवान के राम के मंदिर को लेकर ये ढिंडोरा पीट रहे हैं वो हमारे पूर्वज थे। पुरुषोत्तम रूपाला के खानदान में से कितने शहीद हुए बता दे। वो पुरुषोत्तम रूपाला बता रहे कि उन्होंने कहां कहां शहादत दी। नरेंद्र भाई मोदी का हम सब सम्मान करते हैं, परंतु नरेंद्र भाई मोदी के आप के सरकार में मंत्री हैं और आप कुछ भी बोलेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला का पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है और पुरुषोत्तम रूपाला ने माफी मांगी है, परंतु हमारा दुख इस बात का है, क्या केवल मात्र पुरुषोत्तम रूपाला के माफी मांगने से मामला खत्म हो जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने आज तक ये कहा कि भाई कोई ये गलत किया है आपने? हमारी मांग ये थी कि भाई इनसे इनका टिकट काटा जाए, इनकी जगह किसी को टिकट दो। हमारी इतनी सी बात को मान लिया जाता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु हमें वहां पर भी अपमानित करना पड़ा। लाखों लाखों लोग सड़कों पर हैं परंतु किसी के कान पे जू नहीं रंग रही। कल बराड़ा के अंदर, अंबाला के अंदर मेरे को क्षत्रिय समाज ने बुलाया, मुझे पूछा कि बोलो पहले कौम है या पहले राजनीतिक दल है। साहब मेरे लिए पहले हिंदुस्तान है, उसके बाद मेरे कौम है जिस कौम के अंदर मैंने जन्म लिया है, मेरी रगों में क्षत्रिय समाज का खून है। साहब मैं कैसे चुप हो जाता। मेरे समाज ने कहा इस्तीफा, मैंने कहा मुझे कंधे पर लेके जाओगे? मेरे समाज ने कहा कि इस्तीफा दो। मैंने समाज से पूछकर 12,000 लोगों के बीच में खड़े होकर साइन किए। मैंने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है।
क्या वो मंत्री ये भूल गए कि क्षत्रिय समाज ये महाराणा प्रताप की कौम है, ये भगवान राम के वंशज हैं, जिस भगवान के राम के मंदिर को लेकर ये ढिंडोरा पीट रहे हैं वो हमारे पूर्वज थे। पुरुषोत्तम रूपाला के खानदान में से कितने शहीद हुए बता दे, वो पुरुषोत्तम रूपाला बता दें कि उन्होंने कहाँ कहाँ शहादत दी। नरेंद्र भाई मोदी का हम सब सम्मान करते हैं, परंतु नरेंद्र भाई मोदी के आप के सरकार में मंत्री हैं और आप कुछ भी बोलेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला का पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है और पुरुषोत्तम रूपाला ने माफी मांगी है, परंतु हमारा दुख इस बात का है क्या केवल मात्र पुरुषोत्तम रूपाला के माफी मांगने से मामला खत्म हो जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने आज तक ये कहा कि भी कोई ये गलत किया है आपने? हमारी मांग ये थी कि भाई इनसे इनका टिकट काटा जाए, इनकी जगह किसी को टिकट दो। हमारी इतनी सी बात को मान लिया जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु हमें वहां पर भी अपमानित करना पड़ा। लाखों लाखों लोग सड़कों पर हैं परंतु किसी के कान पे जू नहीं रंग रही। कल बराड़ा के अंदर, अंबाला के अंदर मेरे को क्षत्रिय समाज ने बुलाया, मुझे पूछा कि बोलो पहले कौम है या पहले राजनीतिक दल है? साहब मेरे लिए पहले हिंदुस्तान है, उसके बाद मेरे कौम है जिस कौम के अंदर मैंने जन्म लिया है, मेरी रगों में क्षत्रिय समाज का खून है। साहब मैं कैसे चुप हो जाता? मेरे समाज ने कहा इस्तीफा, मैंने कहा मुझे कंधे पर लेके जाओगे? मेरे समाज ने कहा कि इस्तीफा दो। मैंने समाज से पूछकर 12,000 लोगों के बीच में खड़े होकर साइन किए। मैंने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है। जिस देश को आज़ाद कराने के लिए जिस देश ने देश में क्षत्रियों ने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, मुगलों के खिलाफ हजारों लाखों लोग शहीद कर दिए, इस देश को एक करने के लिए अपनी 565 रियासतों को देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बान कर दिया, आज उसी कौम के बारे में वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं जो केवल मात्र इस सरकार में कुछ दिन से मंत्री हैं। क्या वो मंत्री ये भूल गए कि क्षत्रिय समाज ये महाराणा प्रताप की कौम है, ये भगवान राम के वंशज हैं, जिस भगवान के राम के मंदिर को लेकर ये ढिंडोरा पीट रहे हैं वो हमारे पूर्वज थे? पुरुषोत्तम रूपाला के खानदान में से कितने शहीद हुए बता दे, वो पुरुषोत्तम रूपाला बता दें कि उन्होंने कहाँ कहाँ शहादत दी। नरेंद्र भाई मोदी का हम सब सम्मान करते हैं, परंतु नरेंद्र भाई मोदी के आप के सरकार में मंत्री हैं और आप कुछ भी बोलेंगे। पुरुषोत्तम भाई रूपाला, उन्होंने क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, इस देश को एक करने के लिए अपनी 565 रियासतों को देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बान कर दिया, आज उसी कौम के बारे में वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं जो केवल मात्र इस सरकार में कुछ दिन से मंत्री हैं। क्या वो मंत्री ये भूल गए कि क्षत्रिय समाज ये महाराणा प्रताप की कौम है, ये भगवान राम के वंशज हैं, जिस भगवान के राम के मंदिर को लेकर ये ढिंडोरा पीट रहे हैं वो हमारे पूर्वज थे? पुरुषोत्तम रूपाला के खानदान में से कितने शहीद हुए बता दे, वो पहले कौम है या पहले राजनीतिक दल है? साहब मेरे लिए पहले हिंदुस्तान है, मेरी रगों में क्षत्रिय समाज का खून है। साहब मैं कैसे चुप हो जाता?